एक संपूर्ण भारतीय नारी का कर्तव्य निभा रही है प्रत्युषा, जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए परिक्रम करने मंदिर जा रही है ताकि उनके पति बंटी को एक खुशहाल जीवन मिल सके। प्रत्युषा बंटी की सेवा करना चाहती है। देखा जाए तो प्रत्युषा की खुद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और जब यह बात बंटी को पता चली तो बंटी काफी नाराज हो गए। परिक्रम करते करते प्रत्युषा की हालत और खराब हो गई। वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गई है। अब देखते हैं कि प्यार का यह नया रूप क्या रंग लाता है। क्या क्रमा? परिक्रमा। क्या होता है वो? होता है ऐसे आपको मंदिर के चारों ओर या तो फेरे करने पड़ते हैं या तो लोटपोट खाना पड़ता है। क्या किया? लोटपोट खाया। और एक्चुअली मैंने कुछ चालू किया तो होगा वो परिक्रमा ऐसे आगे साष्टांग प्रणाम करके। उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा है बट अदरवाइज हाँ जो शो में है तो उसकी वजह से मेरा सर पत्थर पे लग जाता है। अच्छा, फिलहाल इन्होंने अब तो तबीयत खराब है, कुछ चोट लगी है तो सब फैमिली डॉक्टर आए हैं इनका चेकअप करने। बाद में सब फैमिली मेम्बर्स निकल जाते हैं रूम से तो बंटी आता है, कैसे गुस्सा होता है, एक मोमेंट है दोनों के बीच में। एक्चुअली सीक्वेंस में ये शांति है, मैं गुस्सा हूँ, ये मुझे शांत कर दिया। तो वैसे एक फॉर चेंज थोड़ा डिफरेंट रिवर्स रोल रिवर्सल हो गया तो हाँ वो अच्छा है, मोमेंट थी हमारे बीच में इसीलिए। क्यों गुस्सा है और फिर हारने अगर आपको कुछ इनके कराना हो अपने लिए तो किस तरह इनको बोलेंगे, क्या करने के लिए चोट पे मुझे लगी करूंगी? कुछ नहीं भाई, मैं एक ही चीज बोलूंगा था निशे कि भाई अम्मा और तुम सेटलमेंट कर लो, मैं बहुत बोर हो गया तो मैं सिर्फ इतना ही मांगूंगा कि अम्मा और तुम सेटलमेंट कर लो यार, बस बाकी बात करता हूं। मैं तो कब से रेडी सेटलमेंट और बाकी क्या मांगना है, वही है। तो सागरिका और बंटी एक टीम हो चुके हैं सत्या को गलत प्रूफ करने के लिए, देखो अब आगे आगे क्या होता है।